अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उम्मीद कर तो सब सही है मेरा रसूल। आपके साथ राशि में बात करूँगा आईफोन के बारे में। एक्चुअली बहुत सारा आदमी हम लोग को बोल रहा था लो प्राइस लो प्राइस लो प्राइस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करूँगा बिल्कुल लो प्राइस में आपने बाईपास कर सकता है। वैसे ऐसा कि $1, $2, $3 ऐसा करके बाईपास कर सकता है। जो द्वीप मेरे पास जो डिवाइस है वो है iPhone 7 डिवाइस से आपने iPhone 5 से लेकर iPhone X तक बाईपास कर सकता। किस तरीके से बाईपास करना पड़ता है वो आपको मैं दिखा दूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, अगर वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना। देख लीजिए मेरे पास ये iPhone 7 है, तो इसको अभी बाईपास करूंगा और बिल्कुल सही तरीके से बाईपास करूंगा। तो देखिए कैसे काम करना पड़ता, आपको आखिर में पूरा वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। मैं फिलहाल इसको एक्सचेंज करके आपको दिखाता है। इसका अंदर iCloud लॉक है और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये iPhone 7 है, iCloud लॉक है। iPhone 5 से लेकर iPhone X तक बाईपास कर सकता। iPhone 5 है, 6, 6 Plus सिम नहीं चलेगा। 6 से लेकर X तक ZMDA सिम चलेगा, मिड डिवाइस अनथ्रेड बाईपास होगा। देखिए ये iCloud लॉक है। अभी इसको हम लोग सीरियल नंबर एक्टिव करूँगा। किस तरीके से एक्टिव करूँगा, आपने पहले चला जाना बेस्ट ऑफ अनलॉक का अंदर। बेस्ट ऑफ अनलॉक का अंदर आपको जाने के बाद आपको ऐसा नज़र आएगा। आपने इसको लॉगिन करके आपको आईडी पासवर्ड लगाना। मेरा आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी लगा हुआ, ये मेरा साइनिंग ऑलरेडी है। साइनिंग करने के बाद जाके हम लोग चला जाऊंगा इधर वाडा नाव में क्लिक करके आईएमई सर्विस में क्लिक करूंगा। आईएमई सर्विस में क्लिक करने के बाद जाके इधर ऐसा ऑप्शन आएगा, इधर सिलेक्ट करना। इधर सिलेक्ट करने के बाद जाके इधर आना, इधर लिखोगे देखो ए स्पेशल ऑफर प्रो बाईपास टूल 1.0 iPhone 5s 6 6 Plus ओनली $1 है। और iPhone 6s से लेकर एक्स तक मिड डिवाइस $2 है। और GSM डिवाइस 6s से लेकर एक्स तक $3 है। ये ओनली अनथ्रेड बाईपास होगा, सिम नहीं चलेगा, ऐसे बाकी सब चलेगा। और GSM डिवाइस कॉल सपोर्ट है 6s से लेकर एक्स तक। सही है, याद रखना 5s 6 6 Plus GSM हो और मिड डिवाइस हो सिम नहीं चलेगा। सिर्फ ये जो मिड डिवाइस से GSM डिवाइस से सिम चलेगा। तो मेरा है मिड डिवाइस से, तो मैं सिलेक्ट करूँगा ये iPhone 7 है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये iPhone 7 7 Plus तक इसमें क्लिक करूँगा। फर्स्ट टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, इधर क्लिक करके टूल डाउनलोड कर लेना। मैं क्लिक किया, टूल डाउनलोड करूँगा इधर से। सही है, तो अभी देख लीजिए टूल कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको पता लग गया। इधर से टूल डाउनलोड करूँगा, ये टूल डाउनलोड करूँगा। तो मेरा टूल ऑलरेडी डाउनलोड है, ये टूल है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ। तो याद रखना एंटीवायरस, कंप्यूटर को एंटीवायरस ऑफ कर लेना। एंटीवायरस ऑफ करने के बाद जाकर काम कर सकता। मैं ऑलरेडी कंप्यूटर का एंटीवायरस ऑफ करके रखा हुआ। तो अभी देख लीजिए, अभी इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जाके आपको दिखा दे रहे, इसको टूल को ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद जाके ये टूल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद टूल इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद आपको मैं दिखा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको टूल ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद जाके ये इस तरीके से आया। इन केस ऐसा आएगा टूल में कनेक्ट नहीं होगा तो इसको क्लोज कर देना। एक दफ़ा क्लोज करने के बाद थ्री टूल्स को ऑन करना। थ्री टूल्स को ऑन करने के बाद जाके आपको मैं दिखा दे रहा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये थ्री टूल्स ऑन होगा, थ्री टूल्स ऑन होने के बाद जाके हम लोग काम कर सकता। थोड़ा टाइम लगेगा थ्री टूल्स ऑन होने के लिए। देखिए थ्री टूल्स ऑन हो गया, देखिए ऑन हो गया। सही, जेल ब्रेक भी है, iPhone 7 भी है। इस मिड डिवाइस से क्लोज कर देता है और टूल को ऑन करता है। सही है, देखो टूल ऑन हो गया, इसको अभी कनेक्ट हो गया टूल का अंदर। तो अभी इसको हम लोग इसको क्लोज कर देता है। सही है, अभी इस सीरियल नंबर को एक्टिव करूँगा। सीरियल नंबर कॉपी करके हम लोग जाऊँगा, हम लोग उधर जाऊँगा, जाने के बाद सीरियल नंबर को पेश करूँगा। देखो सीरियल नंबर सेम होता कि नहीं, देखो ये सीरियल नंबर सेम है। फीडबैक दो, चेक कर लेना सीरियल नंबर, ये सेम सीरियल नंबर है। सही है, सेम सीरियल नंबर हम लोग सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद वार्डन नाव में क्लिक करूँगा। वार्डन नाव में क्लिक करने के बाद 10 से 15 मिनट लगेगा सीरियल नंबर एक्टिव होने के लिए। कभी कभी अगर अकाउंट लेट हुआ कोई टेंशन नहीं है। तो इधर चला जाऊंगा, इधर जाने के बाद हम लोग देखूंगा हमारा सीरियल नंबर एक्टिव है कि नहीं है। अभी फिलहाल पेंडिंग के पर है और थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा सीरियल नंबर एक्टिव होने के लिए।
तो अभी हम लोग 10-15 मिनट के बाद इंशाल्लाह देख लूंगा। अभी बात ये है इधर कैसे कैट करना है, इधर क्लिक करके क्रेडिट को ऐड करने के लिए मिनिमम $10 से इंडियन रुपीस 1000 है और बांग्लादेश 1000 है, पाकिस्तान 1700 रुपये है, और पेपल से सिलेक्ट करके अपने भी काम कर सकता है। ये इधर क्लिक करके पे कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकता है। और इधर से मास्टर कार्ड, आई बैंक, वेस्टर्न यूनियन, और उसके बाद गूगल पे देश से अपने पैसे ऐड कर सकता है। चलो हम लोग इंतजार कर लेते हैं, जब तक सीरियल नंबर एक्टिव नहीं हो तब तक हम लोग इंतजार कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट लगता है, सही है, कभी कभी लेट होगा भी टेंशन नहीं करना, सीरियल नंबर एक्टिव हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद हम लोग इसको रिबूट करूँगा, मतलब सॉरी रिबूट नहीं है, रिलोड करूँगा। रिलोड करने के बाद जाके देखो सीरियल नंबर एक्टिविटी से और iPhone 7 सक्सेसफुल है, सही है। तो अभी सीरियल नंबर जब एक्टिव होगा हम लोग टूल डाउनलोड कर लूँगा, डाउनलोड करने के बाद जाके सीरियल नंबर सबमिट करूँगा। इनकेस टूल डाउनलोड नहीं होगा तो सेम जगह में जाके टूल डाउनलोड कर लेना, जैसे टूल डाउनलोड कर लेना, मैं फिर बताते थे जो टूल है वो डाउनलोड कर लेना, जैसे टूल ये टूल डाउनलोड कर लेना। ओके, हर का टूल अलग अलग टूल है, ये देखो हर कंपनी अलग अलग टूल है। ओके, हम लोग जब ये सीरियल नंबर एक्टिव हो जाएगा हम लोग चला जाऊंगा। देखो सीरियल नंबर एक्टिविटी से, सीरियल नंबर डिसएक्टिविटी से, सही है। तो इसमें क्लिक करूंगा, ये जो टूल है इसको मोबाइल को पहले जेल ब्रेक करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी जेल ब्रेक है, तो इसको हम लोग क्लिक करूंगा एक्टिव नाउ में क्लिक करूंगा, सही है। इधर एक्टिव नाउ में क्लिक करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बाईपास होने के लिए। इंटरनेट स्पीड ज़्यादा होगा तो जल्दी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड लो होगा तो टाइम लगेगा। तो आपको मैं दिखा दे रहा है और बता भी दे रहा है, इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगा, सही तरीके से अपने काम कर सकता और बिल्कुल मुनासिब प्राइस से। हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ये बाईपास नहीं हो। इनकेस लेट होगा कोई टेंशन वाला बात नहीं है, देख लीजिए ये कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव टू एक्टिवेट डिवाइस, इसको बाईपास करने के बाद अपडेट फॉर्मेट नहीं करना। इनकेस अगर नोटिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर फेस टाइम जाके फेस टाइम एक्टिव कर लेना, फिर बाद में जाके आपका नोटिफिकेशन भी प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इनकेस अगर नोटिफिकेशन प्रॉब्लम करेगा तो उसके बाद जाके अपने फेस टाइम को एक्टिव कर लेना। देख लीजिए ये जितने भी है ऑप्शन है आपको मैं दिखा देता है, ये मैं सिलेक्ट कंट्री करते हैं और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक्टिव करूँगा, सही है, एक्टिव करूँगा। बिल्कुल एक्टिव, परफेक्ट एक्टिव होगा और सब कुछ चलेगा। इसके अंदर मेरा फिंगर खराब है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग एक्टिव करूँगा। तो इस तरीके से बाईपास करना है, तो उम्मीद कर तो समझ गया कैसे बाईपास करना पड़ता है। अगर वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी देखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं तो, क्योंकि सब्सक्राइब करना का तो जो बेल आइकन प्रेस करना, जब भी हम लोग कोई से वीडियो अपलोड करूँगा आपको पास आइकन चला जाएगा, उसके बाद पसंद तरीके से कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह। कोई से भी डिवाइस बाईपास होगा iPhone 5 से लेकर iPhone X तक, अंतर बाईपास से DSM डिवाइस से 6 से लेकर X तक सिम चलेगा, देख लीजिए ये बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। अभी इसको हम लोग एक्टिव कर लूँगा, एक्टिव कर लिया जी, बाईपास हो गया, एक्टिव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने इसको अपटेल इसको डिसेबल करना चाहते तो क्लिक करके डिसेबल हो जाएगा, मेरे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। अभी देखिए इसको ऑफ करते हैं बाईपास करने के बाद, इसको ऑफ करने के बाद आपको दिखा दूंगा इसको अनथ्रेड बाईपास है और कोई टेंशन नहीं है। अभी इसको काम करने की बजाय हम लोग इसको ऑफ ऑन करूँगा, इसको ऑफ किया अभी ऑन करूँगा। तो आपको पता है ये अनथ्रेड बाईपास है और GSM डिवाइस सिम सपोर्टेड है 6 से लेकर X तक, जो
तो इस तरीके से करके हम लोग बाईपास कर सकता। तो उम्मीद करते आपने समझ लिया कैसे काम करना पड़ता, और आपको क्रेडिट चाहिए लाजिम व्हाट्सअप करना पड़ेगा, वो जो वेबसाइट का अंदर नंबर है व्हाट्सअप करना पड़ेगा, तो आपको लाजिम उसको क्रेडिट मिल जाएगा। देख लीजिए ये बाईपास हो गया, आंथेड बाईपास हो गया, और बिल्कुल टेंशन का बगैर काम चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद कर तो आप समझ गए कैसे काम करना पड़ता, किस तरीके से टूल को इस्तेमाल करना पड़ता। लाजिम एक लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।